तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बंटू गेमिंग पर। तो गाइस यार, आज हम खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट का पॉकेट एडिशन, और वो भी गाइस ये हमारा माइनक्राफ्ट के पॉकेट एडिशन का सर्वाइवल सीरीज का पार्ट वन होने वाला है। तो अगर आप इस वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो, मैं यहीं पर स्पॉन हुआ था और मैंने यहीं से रिकॉर्डिंग स्टार्ट भी कर दी थी। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो, हमारे आसपास काफ़ी रिसोर्सेज तो मुझे दिख रहे हैं। सामने एक नदी भी है और पीछे एक पहाड़ भी है। और गाइस यार, यहाँ पर काफ़ी सारे ट्रीज तो नहीं है, बट हाँ थोड़े बहुत शीप हैं। तो गाइस यार, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और थोड़े बहुत इक्विपमेंट इकट्ठा करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम सर्वाइवल में हैं तो अभी हमें बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करनी है। और हाँ, ये माइनक्राफ्ट ही है जैसा कि देख सकते हो। तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले थर्ड पर्सन को फर्स्ट पर्सन व्यू में कर देते हैं, उसके बाद वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज यार, जनरली मैं सबसे पहले लोकीक्राफ्ट 5 खेला करता था, बट गाइज तुम लोगों ने काफ़ी सारे कमेंट किए कि भाई माइनक्राफ्ट खेलो, माइनक्राफ्ट खेलो। तो गाइज इसीलिए मैं आ चुका हूँ वीडियो लेके माइनक्राफ्ट का। तो अगर तुम लोग ये वीडियो पसंद करते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, बता देना कि आगे मैं माइनक्राफ्ट के ऊपर कौन कौन सी चीज़ें करूँ जो तुम्हें पसंद आती है, जो तुम ज़्यादातर जनरली वीडियो देखना पसंद करोगे, तो वो कमेंट करके बता देना ताकि मैं उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बना सकूँ। अभी गाइज जितनी जल्दी हो सके हम थोड़ी बहुत यहाँ पर वुड इकट्ठा कर लेते हैं और फिर बनाएंगे। गाइज ये देख सकते हो, मेरे पास अभी 5 वुड हो चुके हैं, तो मैं इसे सबसे पहले प्लैंक्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ। और गाइज थोड़े बहुत स्टिक्स और थोड़े बहुत यहाँ पे काम के इक्विपमेंट बना लेते हैं और उसके बाद थोड़ी बहुत माइनिंग करेंगे स्टोन की। तो फटाफट ये काम कंप्लीट कर लेते हैं। तो गाइज यार, जैसा कि तुम लोग देख रहे हो, मैंने वुडन पिकेक्स से बहुत सारे कॉबल स्टोन इकट्ठा कर लिए थे, और उन कॉबल स्टोन से मैंने गाइज अपने वुडन पिकेक्स को फिलहाल कॉबल स्टोन के यानी कि स्टोन पिकेक्स में कन्वर्ट कर लिया। और मुझे यहाँ पे थोड़े बहुत आयरन भी दिखे, तो मैंने सोचा कि इन आयरन को कलेक्ट कर लेते हैं और फिर बढ़ते हैं गाइज ढूंढने के लिए एक विलेज, क्योंकि गाइज विलेज हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गाइज हमें विलेज के आसपास ही अपना घर बनाना है ताकि हम जब जरूरत पड़े अपने आसपास विलेजर को भी ला सकें। तो इसीलिए सबसे पहले मुझे यहाँ पर थोड़े बहुत जितने हो सके उतने कॉबल स्टोन इकट्ठा करना है, और फिर मुझे गाइज थोड़े बहुत खाना उना भी इकट्ठा करके जल्दी से जल्दी कोई विलेज ढूंढना है। वैसे ये कौन सा गधा है यार? अच्छा गधा नहीं, ये घोड़ा है। घोड़ा है कि गधा है पता नहीं, पता नहीं क्या पता, घोड़ा या गधा। भाई तू जो भी हो, तुझे मुझे से क्या लेना देना। चलो अभी जल्दी से गाइस ये काम करते हैं कि हम इस अपने जो क्राफ्टिंग टेबल है उसे इकट्ठा कर लेते हैं। और गाइस फिलहाल यहाँ पे एक एप्पल भी पड़ा हुआ है, और यहाँ पे एक और केव है, और इधर तो कुछ नहीं है, बट गाइस यहाँ पे एक एप्पल पड़ा हुआ है जो मैंने यहाँ से ट्री काटा था, उससे मुझे मिला है। गाइस अभी ये एप्पल इकट्ठा कर लेते हैं और जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यहाँ पे वैसे काफ़ी शीप भी नज़र आ रही है, तो गाइस ये मेरे बेड बनाने के काफ़ी काम आ सकता है, क्योंकि गाइस रात जब हो जाएगी तो मॉब्स मेरा दिमाग ख़राब करने के लिए आ जाएंगे, और गाइस उस समय बेड हमारा काफ़ी काम आने वाला है। तो यहाँ पे एक ब्लैक वूल है, तो ब्लैक वूल तो नहीं लगेगा क्योंकि हमें व्हाइट वूल से ही अपना बेड बनाना है, तो मुझे एक व्हाइट वाला ही। और गाइस यहाँ पे देख सकते हो मुझे एक चिकन मिल चुका है, यानी कि मेरा खाने का भी इंतज़ाम हो जाएगा। और गाइस यार नीचे कोल भी है बहुत सारा जैसा कि तुम लोग देख सकते हो, तो मैं काम करता हूँ सबसे पहले इन कोल को भी इकट्ठा कर लेता हूँ, जिससे मैं फर्नेस में अपने चिकन को कुक भी कर सकता हूँ, जिससे हमारा जो हेल्थ बार है वो जल्दी फील होगा, क्योंकि अगर हम कच्चा वाला मीट खाएंगे तो गाइस हमारा हेल्थ बार कम फील होता है, बट अगर हम कुक मीट यानी कि कुक यानी कि पका हुआ खाना खाएंगे तो गाइस यार जल्दी हमारा जो फूड बार है वो जल्दी ग्रो करता है, यानी कि जल्दी से फील हो जाता है। इसीलिए मैं कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी से जल्दी पका हुआ खाना ही खाने की कोशिश करूँ। फिलहाल अभी तो मेरा फूड बार पूरा का पूरा भरा हुआ है और मेरा हेल्थ भी काफ़ी अच्छा है, और अभी तक ये हमारा हेल्थ जो है वो घटा नहीं है, इसलिए मैं जल्दी से जल्दी कोल इकट्ठा कर लेता हूँ, क्योंकि बाद में जब अगर हम मॉब्स के साथ हमारी फाइट होगी तो हो सकता है कि मेरा हेल्थ कम हो जाए, फिर गाइस हमें बहुत ज़्यादा फूड की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए मैं जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी फर्नेस बना के अपने फूड यानी कि जो हमने अभी चिकन को मारा है उसे कुक कर लेना चाहता हूँ, ताकि मेरा एक बार में ही ज़्यादा हेल्थ बार फुल हो, यानी कि हमारा जो फूड बार है गाइस जैसा कि आप ऊपर में देख सकते हो वो जल्दी से ज़्यादा फील हो सके। तो अगर हम पका हुआ खाना खाएंगे तो ये जल्दी एक बार में 3 को फील करेगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपने फूड को कुक भी कर लूँ। तभी गाइस सबसे पहले काम करते हैं, जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी हम यहाँ पर जो अपना जो ये वुडन पिकेक्स है गाइस इसे फेंक देते हैं, क्योंकि गाइस ये हमारा कोई काम आने वाला नहीं है फिलहाल। तो मेरे पास भाई तू ऊपर क्यों आ गया? तो गाइस फिलहाल के मेरे पास यहाँ पे देख सकते हो स्टोन पिकेक्स और स्टोन एक्स है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं इन फालतू के सामान को रेख के अपना इन्वेंट्री फुल करूँ, तो मैं इसीलिए इन सभी फालतू सामान को यहाँ पे फेंक देता हूँ। और गाइस जैसा कि तुमने देख रहे हो मैं लग यहाँ पे अपना सामान फेंक दिया है, और गाइस हम बढ़ेंगे आगे अपने स्टोन के मतलब टूल्स के साथ। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस मुझे एक गाँव भी दिख चुका है, तो मैं काम करता हूँ सबसे पहले इसे थोड़ा बहुत लेदर और थोड़ा बहुत मीट इकट्ठा कर लेता हूँ, और इसे भी बाद में कुक कर लेंगे, क्योंकि अभी मुझे कुक करने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल मेरा हेल्थ बार काफ़ी फुल है, और गाइस अभी यहाँ पर मुझे एक पिक दिख चुका है, तो जल्दी से जल्दी यहाँ पे थोड़ी बहुत फूड इकट्ठा कर लेते हैं। और गाइस यार यहाँ पे थोड़े बहुत भेड़ भी है, तो मैं काम करता हूँ इनसे थोड़े बहुत वूल भी इकट्ठा कर लेता हूँ, जिससे हम बाद में अपना बेड भी बना सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी इन भेड़ों को मारते हैं। तो गाइस यार करीबन 3-4 भेड़ों की हत्या करने के बाद मेरे पास अभी काफ़ी ज़्यादा फूड हो गया है, और अभी फिलहाल के लिए मुझे कोई फूड की ज़रूरत नहीं है। तो अभी जल्दी से जल्दी गाइस जैसा कि तुम लोग सामने देख रहे हो मुझे एक विलेज दिख चुका है, तो अभी जल्दी जल्दी उस विलेज के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि उस विलेज में हमें क्या लूट मिलता है।
तो गाइज हम एक इज्जतदार गेमर की भांति जाएंगे और उस विलेज को लूट के आएंगे और गाइज देखेंगे कि उस विलेज में हमें क्या क्या मिलता है। वैसे गाइज अगर आपने नोटिस किया है तो पता नहीं ये अकेला ग्रेवल यहाँ पे क्या कर रहा है, भाई तो अपने दोस्तों के साथ वहाँ पे क्यों नहीं है। एक काम करते हैं गाइज, इसे इस ग्रेवल की मदद हम कर देते हैं और यहाँ पे इस ग्रेवल को इकट्ठा करके गाइज हम इसे इसके दोस्तों के पास छोड़ देते हैं, या फिर एक काम करते हैं इसे विलेज ले चलते हैं, इसे अपने विलेजर्स के साथ मिलवाएंगे गाइज। लेकिन एक काम करते हैं गाइज, ये उदास हो जाएगा क्योंकि ये गाइज ये अकेला पड़ जाएगा, इसे हम काम करते हैं इसे अपने इसके दोस्तों के पास ही छोड़ देते हैं। तो जा भाई तू अपने दोस्तों के साथ मौज कर, मैं चला विलेज में और मैं वहाँ पे विलेजर्स के साथ मस्ती करूँगा। तो अभी जल्दी से जल्दी विलेज की ओर बढ़ते हैं। तो कहाँ गया हमारा विलेज, यहीं पर था तो ओके गाइज, जैसा कि देख सकते हो उधर है हमारा विलेज। तो जल्दी से जल्दी हम विलेज की ओर चलते हैं और देखते हैं कि उस विलेज की हमें क्या क्या लूट मिलता है। और उम्मीद करता हूँ कि इस विलेज में मुझे अच्छी अच्छी लूट मिले और हो सकता है तो गाइज हमें डायमंड, एमरल्ड और गोल्डन और आयरन के इंगट भी मिल सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी विलेज के अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या मिलता है हमें उस विलेज में। एंड गाइज यार मैं विलेज में आ चुका हूँ और इस विलेजर को देखो, इस विलेजर के गाइज बेड में मैं क्या सो गया, इसने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया, बस हूँ हूँ किए जा रहा है। तो गाइज यार हट ना, तू क्या दे रहा है, लेवल 1 का कार्डियोग्राफर, अरे यार फालतू सामान चीज़ें दे रहा है, तेरा दिमाग ऊपर का माला खाली है क्या तेरा। ये देख लो गाइज, इसका तो ऊपर का माला सच में खाली है गाइज, क्या ही कर सकते हैं ये विलेजर, नल्ला विलेजर है ये। चलते हैं अभी बाकी के घर भी लूटने हैं। वैसे इसका दिमाग देख लो पूरा का पूरा खाली है गाइज, इसके दिमाग में गोबर भी नहीं है, मतलब भूसा भी नहीं है इसके दिमाग में, क्या बोलूँ इस विलेजर को, नल्ला विलेजर है एकदम। तो गाइज यार मैंने लगभग पूरा का पूरा विलेज लूट लिया और पता नहीं ये विलेजर मुझे बस यहाँ पे देखे जा रहा है, घूरे जा रहा है। तो क्या मेरी किसी से कंप्लेंट करने वाला है, तो क्या कर लेगा भाई कंप्लेंट करके, कौन मुझे मारने वाला है इस वर्ल्ड में, बोलना बोलना, अरे बोलना, तेरा भी ऊपर का माला खाली है यार, बोल बोल तू किससे कंप्लेन करेगा, आयरन गोलम से, अरे यार उसे मैं चुटकियों में मार सकता हूँ आयरन गोलम को, चल तू रहने दे मैं चलता हूँ आगे, तुझसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तू नल्ला विलेजर है एक नंबर का, चलते हैं अभी आगे गाइस। तो गाइज़ यार फिलहाल मैं अपने विलेज से वापस आ चुका हूँ अपने वहाँ पे जहाँ पे मैं स्पॉन हुआ था, और यहाँ पे आकर गाइज मैंने थोड़ी बहुत वापस से माइनिंग की और थोड़ी बहुत कॉबल स्टोन और थोड़ा बहुत कोल भी इकट्ठा किया और थोड़ी बहुत वुड भी इकट्ठा कर लिया, क्योंकि गाइज़ मुझे यहाँ पे अपने लिए एक छोटा सा घर भी बनाना था ताकि जिसके अंदर मैं रह सकूं, क्योंकि रात के होने वाली थी और गाइज़ यहाँ पे काफ़ी सारे मॉब्स भी आने वाले थे। तो इसीलिए मैंने जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपना एक छोटा सा घर बनाना सही समझा, इसीलिए गाइज़ मैंने थोड़ी बहुत यहाँ पे वुड, कोल और एक मतलब जो अपना फर्नेस के अंदर है गाइज़ कॉबल स्टोन को कुक कर भी दिया, क्योंकि कोल बहुत ज़्यादा था, इसीलिए मैंने सोचा कि कॉबल स्टोन के ब्रिक्स क्यों बना लूं और उसी से अपना घर बनाने लग गया। तो गाइज अभी जल्दी से जल्दी अपना छोटा सा एक घर बना लेते हैं। तो गाइज यार यहाँ के डर्ट को हटाते हटाते मुझे ध्यान ही नहीं लगा कि गाइज रात होने वाली है और गाइज जैसा कि देख रहे हो सूरज डूबने को है, इसलिए मैं जल्दी से जल्दी सो जाता हूँ। तो गाइज गुड नाइट। तो गाइज यार जैसा कि तुम लोग देख रहे हो मेरा घर पूरा कंप्लीट हो चुका है और गाइज ये घर मैंने बहुत छोटा बनाया है क्योंकि ये अभी मेरा टेम्पोररी घर है, मैं इसमें पूरा मतलब जब तक मैं माइनक्राफ्ट खेलूंगा तब तक मैं इसमें रहने नहीं वाला हूँ, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना है सही समझा और मैंने इसे छोटा सा मतलब टेम्पोररीली बना लिया है। और जल्दी से जल्दी इन सभी सामान को अंदर ले चलते हैं। और गाइज ये जो घर है अभी मैंने फिलहाल छोटा बनाया, बट गाइज बाद में हम इससे थोड़ा सा बेहतर बनाएंगे और गाइज मैं इस टाइप के घर में नहीं रहने वाला हूँ, मैं एक अच्छा और बेटर घर बनाऊंगा और गाइज वो वीडियो बहुत ही जल्द आएगी। तो गाइज जिन लोगों ने भी वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दो, और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर यानी कि अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। तो जल्दी से जल्दी हम यहाँ पे काम करते हैं, बेड लगा देते हैं और सबसे पहले बेड लगाने के बाद अपना चेस्ट भी अंदर ले आएंगे। और गाइज यार यहाँ पे देख लो इस टाइप से बेड लगाऊंगा और यहाँ पे हम सो सकते हैं क्या, नहीं ये जगह मुझे लगती है गलत लग गई है, बेड इज़ ऑब्स्ट्रक्टेड। ओके तो जल्दी से जल्दी इस बेड को सही कर देते हैं। तो गाइज यार जो बेड हमारा ऑब्स्ट्रक्टेड हो रहा था मैंने उसे सही कर दिया है और मैंने अंदर में दो फर्नेस भी लगा दिए हैं और एक क्राफ्टिंग टेबल भी रख दिया है और हमारा बेड तो वहाँ पे है ही। तो गाइज हमारा घर ये घर तो कंप्लीट हो चुका है और मैंने इसमें डोर भी लगा दिया है, बस विंडो की कमी है बट बाद में वो भी लगा दूंगा। तो गाइज कोई नहीं, आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि गाइज माइनक्राफ्ट के ऊपर ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस लाता रहूँगा। और गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करने के साथ गाइज इस वीडियो को शेयर भी कर देना। तो गाइज मिलते हैं किसी ऐसे ही अमेजिंग वीडियो में। और हाँ गाइज ये घर मैंने जैसा कि बताया ये घर हमारा टेम्पोररी घर है, जब हम अपना घर बनाएंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग बनेगा। और गाइज यार तब तक के लिए टाटा बाय बाय और हाँ सब्सक्राइब कर दो यार।